बेटा हाँ खाऊ जे घेर जाऊ थे ने આપણે જાયો બા આ કપડા બધો ખૂન સાફ કરીને આપણે ઘેર જાયો બેટા શું માર્યું તને દર્દ હો રહે તમે દર્દ હો રહે નહીં હો રહે ક્યાં નામ હે આપકા હિંમત હિંમત મોહમ્મદ બહુત સ્ટ્રોંગ બચ્ચે હૈ અભી ઠીક હોકે ઘર ભેજેંગે તુમે ઠીક હે ના કુછ સોચ રહે કુછ નહીં સોચ રહે ના કુછ મત સોચ રહે આંખ બંધ કે સો જા સો જા કુછ નહીં હુઆ તુમે नमस्कार, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो आत्महत्याओं के जो घटना है सुसाइड की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अब ये क्रेज़ मुसलमानों में भी आ चुका है और इस्लाम धर्म में बिल्कुल मना है। हालांकि ये तमाम धर्म इसका इनकार करती है, मना करती है कि आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, अपने जीवन को टूंकाना, तकलीफ़ों से दूर भागना। लेकिन फिर भी आज हम अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में दारुल ओमान अपार्टमेंट में पहुंचे हैं। 306 नंबर की सुबह, एक इस तरह की सुबह आई जो एक बड़ी वारदात को अंजाम दे गई। यहाँ पर उलमाए इकराम तमाम रहते हैं, मौलवी लोग यहाँ पर जो हैं बच्चों को दीन सिखाते हैं, शिक्षक हैं ये तमाम लोग, ये बच्चों को दीन सिखाते हैं। ये किचन है, यहाँ पर मनफूजा बहन जो हैं अपना निजी जीवन का जो भी काम है, ज़रूरियात का खाना पकाना यहाँ पर चल रहा था। और एक ऐसा समय आया कि मनफूसा बहन अपनी किचन से छुरी और चप्पू जैसी धारदार हथियार लेकर खुद को मार देती हैं और अपने 5 साल के बच्चे को भी घायल करती है। ये तमाम मकान आप देख सकते हैं, तमाम सुविधाओं से सज इस मकान के अंदर हर वो सुविधाएं जो एक परिवार को होनी चाहिए, फिर भी मनफूसा बहन को इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ा, इसका जवाब न उनके परिवार के पास है ना ही पुलिस के पास है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये 306 नंबर का अपार्टमेंट है जहां पर ये घटना घटी थी एक वीक के पहले। मनफूसा बहन अपने जीवन को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, ज़िंदगी से छुटकारा पा लिया, लेकिन अपने एक 5 साल के बच्चे को भी उन्होंने मारा है। 8 महीने का बच्चा वो झोली में था और 8 महीने का बच्चा जब झोली में था तो मनफूसा बहन उसको छोड़ देती है और उनके 5 साल के बच्चे को छुरी मारती है। 5 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आसपास के लोगों के पास जाता है और कहता है कि मेरी मम्मी ने अपने आप को भी मार दिया और मुझे भी मारा है। इन तमाम घटनाओं के चलते हम उन्हीं के पति से बात करेंगे जो मदरसे में शिक्षक हैं, टीचर हैं, वहाँ पर मदरसों में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। जब मौलाना को फ़ोन जाता है कि ये वारदात हुई, आप जल्दी से घर आइए, और कुछ कहा नहीं जाता है मौलवी साहब को कि क्या हुआ है, ऐसा ही तुरंत मौलाना अपने घर दौड़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पूरा मंजर जो है शोकमय था, दुखनीय था कि यहाँ पर लोई लुहान हालत में उनकी पत्नी पड़ी है और उनका बच्चा लोई लुहान हालत में बाहर बैठा था। क्या हकीकत थी, आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम है सैफ मोहम्मद। हकीकत ऐसी है कि सुबह में जब जो टाइम होता है मदरसे पढ़ाने का, वो टाइम पे मैं चला गया, बराबर मैं चला गया पढ़ाने बैठा था। सुबह में फ़ोन भी आया, 8:07 पर मेरी पत्नी का फ़ोन आया, क्योंकि रात को बारिश की वजह से मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई थी तो मैं वही छोड़ के आ गया एक्टिवा, बराबर। तो मैंने रात को बताया था कि मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई है, इस वजह से मैं वहाँ रख के आया हूँ। तो उनको फिक्र कि एक्टिवा ख़राब हो गई है तो किस तरह चल के जाएंगे। तो उनका फ़ोन आया मेरे पर कि वो तुम्हारी एक्टिवा ख़राब हो गई है, तो सही हुई कि नहीं हुई, रिपेयरिंग हुई कि नहीं। मेरी पत्नी का फ़ोन आया तो मैंने कहा कि तू एक्टिवा की फ़िक्र मत कर, तो अपना घर का ध्यान रख और कुछ काम हो तो बोल। तो
तो उसने मेरे को प्यार से बोला कि नहीं कई कुछ काम है नहीं। उसके बाद मैं अपने पढ़ाने में मशगूल हो गया और फ़ोन कट कर दिया बराबर। उसके बाद मेरे को 8:36 पर मोहम्मद भाई के फ़ोन से हाफिज़ आसिफ ने मेरे को फ़ोन किया, बात हुई कि मौलाना तुम फटाफट घर आ जाओ। फिर मौलाना क्या हुआ बोलो तो सही, मौलाना तुम जल्दी घर आओ। तो मैं कट करके दूसरी मौलाना की एक्टिवा लेकर इमरजेंसी 2-3 मिनट में मैं घर पहुँच गया। जब आके देखा सीढ़ी से आता था तो अहमद को लगा हुआ था, मेरे बच्चा 5 साल का है इसको लगा हुआ था। फिर खून आ रहा था तो मैंने इसको रुमाल वगैरह से लगा कि फिर इसको मैं पूछा क्या हुआ तो उसने मेरे को बोला अम्मी ने मेरे को चाकू मारा और खुद मार के मर गई। मैं पूछा कोई घर में आया था, बोला कोई नहीं आया था घर में। फिर मेरे तो देखकर मैं उसके पास गया, फिर मैं उसको बोला बोल क्या हुआ तेरे को क्या हुआ। फिर उसके हाथ मैंने दबाए क्योंकि मैं देखूँ कि कुछ जिंदा है कि नहीं, पर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया और मेरे हाथ धुरझने लगे। फिर लोगों ने फिर आगे संभाला 108 बुला कर। कोई सुसाइड नोट वगैरह यहाँ से मिली थी आपकी पत्नी पास से? कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन एक चाकू था जिससे जो सब्जी काट रहे हैं वही साबुत चाकू था और दूसरा कुछ भी नहीं था उनके पास। तो उनको कहाँ पे इजा हुई थी और कहाँ पे उन्होंने अपने आप को चाकू मारा था? मेरे ख्याल से मैंने एक मतलब देखा था तो उनको यहाँ पे लगा हुआ था इस तरफ, हाँ इधर की तरफ गर्दन के ऊपर, यहाँ खड्डा हुआ घिरा हुआ था यूँ। कितने साल से आप यहाँ रहते हो, ये मकान आपका खुद ही का है? ये मेरा मकान खुद का है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और हम यहाँ 2.5 साल से रह रहे थे यहाँ। और आपकी मैरिज लाइफ की बात करें तो कितने साल हुए, और मैरिज लाइफ में कोई झगड़ा कलकला कोई ऐसा कंकास वगैरह? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल मैरिज के हो चुके थे, 10वें साल के अंदर हम आ चुके थे बराबर। हमारे इसी कोई मगजमारी नहीं हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आपस में बहुत अच्छा कुछ चल रहा था हमारा। कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है 8 साल की, वो सुबह में स्कूल चली गई थी 7 बजे, और अहमद था तो इसको स्कूल 2-3 दिन से बंद हो गई थी उस वजह से वो घर पे रहता था, और एक छोटा हसन करके है वो 8 महीने का था, वो घोड़िए के अंदर सोया हुआ था। तो दोनों बच्चे बच गए और अहमद को लगा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी अच्छा है उसको, वो बच गया है वो भी, और हसन भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ है, वो कम्प्लीट था वो। जीवन की बात करें तो रोज़ बरोज की जो ज़िंदगी का मामूल है उसी तरह से उस दिन भी मामूल चल रहा था आपका, नमाज पढ़ना और तहज्जुद पढ़नी, सुबह की नमाज भी पढ़ी गई उनके द्वारा, तहज्जुद भी पढ़ी गई, ऐसा ही सारा मामला चल रहा। हाँ जैसे रोज़मर्रा के हमारे हैं, सुबह उठते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो कुछ मामूल वगैरह पढ़ते हैं कुरान वगैरह, फिर मैं थोड़ा सा होता हूँ, फिर लड़की का टाइम होता है 7 बजे तो वो चली जाती है, फिर मेरा टाइम तो होता है तो मैं उठता हूँ चाय नाश्ता करता हूँ, फिर मैं भी 7:25 पर चले जाता हूँ, जो मामूल था उस तरह मैं तो चला गया। मनफूजा बहन ने भी नमाज अदा की थी? हाँ नमाज भी अदा की थी उन्होंने, और जब घर पर आया तो मेरे को लग रहा है कि वो रोटी वगैरह भी पका कर थोड़े फ्री हुए थे ऐसा कुछ लग रहा था। क्या घटना के बाद कितना दुख है, कहाँ के आप, असल गांव आपका क्या है, कहाँ रहने वाले हो? मेरा असल गांव है वाधना, जो सिद्धपुर के बाजू में आया है बराबर, हम वहाँ के असल, और यहाँ बहुत टाइम से रह रहे थे अहमदाबाद के अंदर, पढ़ाना हमारा चालू है मदरसे में। उनकी जो दफन विधि की क्रिया होती है वो सब कुछ गांव में हुई कि अहमदाबाद में? नहीं दफन विधि हमारा सब अल्हम्दुलिल्लाह गाँव में हुई, गाँव के अंदर ही सब हो गया है। तो गाँव में इस वक्त कैसा माहौल है, शोक के माहौल में सब कुछ? सब शोक में है क्योंकि ऐसा हादसा पहली मरतबा हुआ है और जवान में हुआ है इसके लिए। आपके ससुराल वालों की तरफ से आपके कोई बातचीत की गई कि क्या हुआ है अचानक से? अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा था, 10वें साल में आप प्रवेश करने वाले थे और उसी के पीछे एक ऐसी खबर आती है कि अब मनफूजा बहन इस दुनिया को छोड़ के चले गए। नहीं उनकी तरफ से मेरे को कोई प्रेशर भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे को पूछा तो आपको मैंने जो जवाब दिया वही उनको मैंने जवाब दिया है। उनको भी शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही था, हम लोग ले रहे थे हर 6-6 महीने में गांव में जा रहे थे और अभी भी हमको हफ्ते के बाद जाने का ही था जी। तो हज में कौन था, मनफूजा बहन के मम्मी पापा थे या आपके मम्मी? मेरे मम्मी पापा हज में गए थे, वो हज में ही थे, उनको पता चला तो इमरजेंसी आ गए, वो लोग भी इमरजेंसी में आ गए थे। दफन विधि के टाइम पे वो लोग पहुँच गए? हाँ पहुँच गए थे। इन लोग क्या मांग है वो आपकी, किस तरह से पुलिस इसकी तपास करे तफ्तीश करे और क्या कुछ हकीकत सामने आए उसके बाद ही बाकी का जो है मामला क्लियर होगा? नहीं अब क्या कहूँ मैं भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, ये सब अचानक हुआ है, किसी को भी पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है। पुलिस का कैसा रोल रहा आपकी मदद में, पुलिस किस तरह से उतरी और पूरी तपास जो है पुलिस की सही तरीके से हुई, आपको अच्छा सहकार मिला? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का पूरा मेरे को साथ मिला, कोई मेरे को दवा भी नहीं था, जो पूछा उनका जवाब भी मैंने दे दिया और कोई तरह से प्रेशर मेरे को नहीं दिए गए जी। पूरी तरह से पुलिस का अच्छा साथ सहकार रहा, FSL टीम आई यहाँ पर, वेजलपुर PI आते हैं, PSI आते हैं, व्यास साहब DCP जोन 7 के जो DCP अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं तमाम तफ्तीशों के बाद। अब ये पूरा मामला पुलिस थाने में है,
पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही ये कुछ सामने आएगा कि किस तरह का मामला था, क्या वो कोई मानसिक बीमारी से पीड़ा रहे थे या किसी तकलीफ़ के अंदर उनका जीवन गुजर रहा था, ये तमाम जानकारी हमको पीएम रिपोर्ट के बाद कुछ सामने आ सकती है। लेकिन घर की अगर हम बात करें तो पूरी सुविधाओं से सज था, जो एक घर के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए थी तमाम सुविधाएं ये शिक्षक जो हैं उनके द्वारा अपनी पत्नी को और परिवार को दी गई थी। लेकिन असल कारण क्या था वो आज किसी के भी सामने नहीं है, ना ही जवाब उसका पुलिस के पास है ना उनके पति के पास है। ये अब समय ही आने वाला बताएगा कि किस तरह से इस मामले को पुलिस देखेगी और पूरी तफ्तीश करने के बाद इस मामले को क्लियर किया जाएगा। इसी के बीच हमारे साथ एसडीपीआई की टीम के जो वार्ड प्रमुख है वो भी मौजूद हैं। क्या रोल है आपका इस पूरी घटना में, किस तरह से आप इनकी मदद में उतरे और आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद मेहमान है, मैं एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया DW से मेंबर हूँ। ये 11:30 बजे जैसा मेरे एक साथी से मेरी बात हुई, उनका कहना यूँ हुआ था कि मौलाना सैफ मोहम्मद जो है उनके घर पर ये मामला बनाए और अभी कुछ पता नहीं चलता, पुलिस का पूरा स्टाफ है और किसी को जाने नहीं दे रहे, उनकी जांच चालू है। जैसे मुझे पता चला, मैं अपना घर के कामकाज को आगे पीछे करके मैं फ़ौरन वहाँ पर पहुँचा और मैंने उनको जैसे आया वैसे ही मैंने आने के बाद देखा कि पुलिस स्टाफ पूरा है और यहाँ पर सब कुछ जैसे तफ्तीश वगैरह कुछ चालू है, अंदर एंट्री करने नहीं दे रहे वो। तो उस हिसाब से जब मैंने आके देखा तो मैंने पुलिस जो PI थे RM चौहान साहब, उनसे मैंने मुलाकात की, उनसे पूछा, उनका कहना आप यहाँ पर कैसे आए, मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड थे, हमने लॉकडाउन साथ में गुजारा है और काफ़ी हमारी बातचीत भी होती रहती थी, कोई इनका किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं थी, बहुत सीधे उनका स्वभाव बहुत सीधा था। वही हिसाब से मैं फ़ौरन आया कि यहाँ पर ज़रूरत थी, एज ए पोलिटिकल नहीं, एज ए मैं फ्रेंड आया था और एक उम्मत और एक कौम के लिए, हाँ उम्मत मानवता के लिए। लेकिन एक बात मुझे आगे ये मीडिया के माध्यम से कहनी है कि जब ये मामला बना तो 108 ने आकर देखा कि यहाँ पर उनकी वाइफ का तो डेथ हो चुकी थी और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन जो बच्चे को लगा हुआ था, बच्चे को लगने के बाद यहाँ के जो लोकल डॉक्टर मुस्कान हॉस्पिटल है, अल्नूर हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो ले गए थे, लेकिन वो बच्चे को हाथ लगाने के तैयार नहीं थे। तो मैं ये दुख की बात मीडिया के माध्यम से बताता हूँ कि जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल खोल के बैठे जो लोकल डॉक्टर हैं समाज सेवा के नाम से वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर वो हाथ क्यों नहीं लगाते? कम से कम देखो, इसका जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो तो सरकारी हॉस्पिटल में ही होती है, लेकिन ब्लड जो चालू था उसको कम उसको रोक सकते थे। तो मैं अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये चीज़ कोई ऐसा घटना बने, आपके पास डॉक्टर है, आप सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप ये मामले के अंदर क्यों हाथ नहीं लगाते? दो हॉस्पिटल, जैसे मुस्कान हॉस्पिटल है और अल्नूर हॉस्पिटल है जो पास पास में ही है, और लोकल डॉक्टर भी जैसे आ गए होते और कुछ इनकी जान, देखो ये तो मुकद्दर है, यहाँ से दुनिया में से हर एक को जाना है, मुझे भी ना जाना है, आप सबको भी जाना है, लेकिन ऐसे कोई वारदात हुए तो मौके पर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट दे देवे और उसको आगे की हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जावे। ये मैं एक दुख व्यक्त करता हूँ, मैं इनके परिवार के साथ में हूँ कि ऐसी कोई घटना ना बने, उसके लिए समाज जो आगे बढ़े। और जैसे और भी पता चला है कि और एक लड़की को भी, जमालपुर की लड़की को मार दिया गया है उसकी मम्मी के ज़रिए, तो मैं लोगों को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि सुसाइड करना, खुदकुशी करना ये कोई मसले का हल नहीं है। इसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी से कंटाल गए हो, क्योंकि ज़िंदगी जो मिली है एक ही मर्तबा, ये गोल्डन चांस है अपने पास, ऐसा नहीं कि पुनर्जन्म होगा और आपको दोबारा ज़िंदगी दी जाएगी, और ज़िंदगी के एक एक पल का आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो आप अपनी अच्छे से लाइफ गुजारो, कोई ऐसा कोई मामला हो तो घर के जो वडील हो, समाज के जो वडील हो, उनके सामने ये मामला पहुँचे। इसके अलावा इस्लामी जो दारुल कज़ा करके जो कोर्ट है, माशाल्लाह हमारे यहाँ पर भी मौजूद है, और इसके अलावा इस्लाह मुआशरा जो उलमाए किराम की टीम है, घरेलू झगड़े वगैरह, कज़िये वगैरह जो कुछ आते हैं तो उन तक पहुँचते हैं, तो वो एक टीम आकर घर वालों के सामने बात रखती है, उनको हस्बैंड वाइफ को समझाती है और जो भी मामला होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तमाम ये गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट अपील करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी से कंटाल कर आप सुसाइड न कीजिए। आपको ज़िंदगी जो मिली है वो बहुत कीमती ज़िंदगी है, तो मैं लोग आपके ज़रिए से लोगों को ये मैसेज ही पहुँचाना चाहता हूँ। दारुल कज़ा का आप एड्रेस भी लोगों को बताएं। दारुल कज़ा का एड्रेस अपने सावन पार्टी प्लॉट है, उसके सामने ही अल बदर कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और वहाँ पर मुफ्तियाने किराम की अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, और वो टाइम उसका सुबह में 10 या 11 बजे कुछ शुरू होता है, शाम के 5 बजे तक रहता है। हाँ, वहाँ लोग मुफ्तियाने किराम की पूरी टीम हाजिर रहती है। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ जाकर अपना कुछ ऐसा मामला हो तो वो दर्ज कराए, अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े तो एसटी पे आपसे कंधे से कंधा लगा कर खड़ी है, कोई भी बेसिक
प्रॉब्लम हो, जैसे और भी सब चीज़ों में हम काम करते हैं, लेकिन घरेलू झगड़े के अंदर भी हमसे जितनी कोशिश होगी हम इंशाल्लाह मदद करेंगे। SDBI की टीम की एक ज़रूरत, अभी आपकी स्पीच से ये पता चला कि एक ज़रूरत ये भी है कि मुस्कान हॉस्पिटल में आपका डेलीगेशन जाए, अल नूर अस्पताल में भी आपका डेलीगेशन पहुँचे, उन जो डॉक्टर हैं वहाँ पर जो काम करते हैं उनको समझाया जाए कि इस तरह की घटना अगर किसी और के साथ घटती है तो मीडिया को साथ में ले जाकर भी बात कर सकते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो एक रूल्स है, जो लॉ का कानून का एक रूल्स है कि आप MNC फरियाद लेते हैं अस्पताल में और उसके बाद ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट उनको दी जा सकती है। तो आने वाले दिनों में हम भी ये उम्मीद रखेंगे कि SDBI टीम अपने डेलीगेशन के साथ वहाँ पर पहुँचे, दोनों अस्पताल के ट्रस्टियों से बात करें और ताकि आने वाले दिनों में किसी और के साथ कोई घटना घटती है तो तत्काल उसका जो है बेसिक ट्रीटमेंट हो सके। दूसरी बात यह रही कि दारुल गजा जिस तरह से इन्होंने एड्रेस दिया है तो आप तमाम अपने परिवारों की निजी ज़िंदगियों में जो भी तानाकुसी चलती हैं, झगड़े चलते हैं, उन तमाम झगड़ों का, समस्याओं का समाधान लाने के लिए उलमाओ इकराम से, मुफ्तियों से मिले और आसपास में महिलाओं के भी मदरसे चलते हैं, तालीम केंद्र चलते हैं, उनमें हमारी मस्तूरातों को पहुँचाएँ ताकि दूसरी जो बदी हैं, जिस बदी में आज हमारा समाज जी रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम इंस्टाग्राम पे रील बनाने के जो रोल अदा करती हैं महिलाएं और बच्चे, उस बदी से भी उनको दूर रखा जाए और ऐसी वारदातें जो होती हैं और मोटिवेट करने की जो रील सामने आती है उसको बिल्कुल नकारा जाए, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, महिलाओं को मोबाइल से दूर रखें। और जिस तरह से महिलाओं के मदरसे चलते हैं, महिलाओं में भी टीचर होती है जो इस्लामिक बहनों को समझाती हैं, उनको अच्छे से अपना ज्ञान पहुंचाती है, तो तमाम महिलाएं आज से ही ये नियत करें कि अपनी आड़ पड़ोस की जो महिलाएं उनको भी मदरसे में पहुंचाने की कोशिश करें। बाकी का ये पूरा मामला पुलिस थाना में है कि और इनके लिए, मरहूम के लिए दुआएँ करें कि अब जो होने का था वो हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में एक दूसरे को मोटिवेट करें कि अगर आप कोई भी परेशानी में जी रहे हो, कोई डिप्रेशन में जीते हो तो दारुल कज़ा का आप संपर्क करें, SDBI की टीम का संपर्क करें, और अगर अब यहाँ नहीं पहुँच सकते तो तत्काल आप अपने मस्जिद के उलमा इकराम से बात करें कि हम इस परेशानी में और इस डिप्रेशन में जी रहे हैं ताकि इसका जल्द से जल्द निराकरण हो सके।